हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं एक जगह घूमने जा रहा हूँ, एक एग्जीबिशन लगा है। तो एग्जीबिशन काफी प्यारा है। मैं उस जगह देखने जा रहा हूँ, देखने के लिए एक्चुअली क्या क्या चीजें लगी हुई है। मैंने सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह, काफी हर एक टाइप की बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो मैं देखने जा रहा हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जाना भी चाहिए उस चीज को। सो गाइस, मैं अकेला ही जा रहा हूँ आज। मेरा फ्रेंड्स थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहा है तो वो आएगा नहीं। सो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज यार आप वीडियो को बात जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्त यार, ठीक है ना। ठीक है, बहुतों को आपने किया होगा, प्लीज मुझे भी सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस, ये मेला काफी समय बाद भी लग रहा है, जब से लॉकडाउन तब से मेला लगा नहीं है। लगभग 3 साल बाद मेला लग रहा है ये। और ये मेला कहते हैं कि काफी पुराना मेला है, शायद मैं पैदा नहीं, मतलब मैं पैदा भी नहीं तब से मेला लगता आ रहा है, ये काफी पुराना मेला है। और चलिए फिर बाकी अंदर बातें करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला अंदर। पहले मुझे टिकट लेना पड़ेगा, तो देखते हैं टिकट कितने का है। एक टिकट दी है ना, तो मैंने टिकट ले लिया और ये 20 रुपए का टिकट है अंदर मेले में। तो गाइज, यहाँ पे 2-3 प्रकाशन लग रहे हैं, जैसे कि राजकमल प्रकाशन लग रहा है, उधर लग रहा है उपकरण प्रकाशन और ये वाणी प्रकाशन। तो मैं एक एक करके सब में जाने की कोशिश करूंगा। उधर वो दूर लग रहा है प्रभात प्रकाशन देख रहे हैं सामने, तो मैं पहले इसमें घूमता हूँ राजकमल प्रकाशन के अंदर, देखता हूँ मैं क्या मिलता है इसके अंदर। तो चलते हैं। ऐसी बहुत सारी बुकें लग रही हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप किस टेस्ट के क्या पढ़ना पसंद करते हैं, वो हर एक तरह की किताबें मिल जाएंगी। उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, गजल है, नाटकीय है, या आलोचनक है, या मीडिया पत्रकारिता है, हर एक तरह की किताबें यहाँ पे एग्जीबिशन में लगी हुई हैं। जैसे ये उपन्यास में देख ले, यहाँ पे ये किताबें लग रही हैं। ऊपर ये है पीली आंधी है टीसी, जो भी है। पता नहीं चला। जब धरती नंगे पांव जाएगी, तो सही आप देख सकते हैं साहिर लुधियानवी, इसको तो इनको तो सभी जानते होंगे शायद। ये तो बहुत फेमस शायरी लिखा करते थे साहिर लुधियानवी, और इनकी ये सारी किताबें यहाँ पे लग रही हैं उस जमाने की जब इन्होंने लिखी थी। ये जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर, इनको भी आप जानते ही होंगे बेहतर से। तो किताबें तो हर तरह की मिल रही हैं, आप जो पढ़ना चाहें। ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं सामने। तो गाइज, मैं किसी से बात तो करता है, लेकिन यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। सो मैं यहाँ से निकलूँ, दूसरे एग्जीबिशन में जाता हूँ। गाइज, ये किताब थोड़ी यूनिक लगी, अक्षर कथा। एक्चुअल में इसमें उस जमाने की जो भाषाएं हुआ करती थी उन पे गहन अध्ययन किया गया इस किताबों के अंदर समझने के लिए। सो उस पे ये डिपेंडेंट करती किताब है। इसका प्राइस आप देख रहे हैं 950। और भी यहाँ इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, आदि तुर्ककालीन भारत देख रहे हैं। सो ये आलोचना, वहाँ से निकला तो सो गाइज, मैं वहाँ से निकला तो अब यहाँ इसमें जा रहा हूँ, और यहाँ भी कुछ किताबें हैं वो मैं देखूँगा। मैं कोशिश करूँगा किसी से बात करने की। नई पुस्तकों का स्टॉल लग रहा है। यहाँ हर तरह की किताबें मिल रही हैं, आपको किस टेस्ट के उससे मतलब नहीं है। आपको जो किताबें पढ़नी है वो किताबें आप ले सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। चाहे आपकी रुचि इतिहास में हो, सामाजिक कविता में हो, आलोचना में हो, पत्रकारिता में हो, किसी में की जिस जिसमें आपकी रुचि है वो किताब आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं जब तक अभी इतनी देर से घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ वाकई में यहाँ पे हर एक किताबें हैं। मैं अभी क्या बोलते हैं, ये मटर गश्ती पेज वाले भैया, जिनको मैं नाम से तो नहीं जानता, और ये मुझे मिल गए यूट्यूब यहाँ पे।
तो मैं इनसे थोड़ी बातें करता हूँ। भैया मैं मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, मैं इसलिए इनके मिलने भी आया था। बिल्कुल। तो भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे? देखिए भाई, अगर वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। कनेक्ट बिहार चैनल का नाम है मेरे। हाँ बिल्कुल, तो भाई के चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए जरूर। और कोई भी कंटेंट क्रिएटर बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है, तो प्लीज जो लोग आपके सामने बातें रख रहे हैं उस बातें को सुनिए प्लीज। 30 सेकंड में, फर्स्ट 30 सेकंड में जज मत करिए उनको। भैया को मैं एक साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। मैंने उस समय उनका ब्लॉग देखा था और आज फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले ये वाला ब्लॉग देखा है मैंने, और मैं इनको बहुत अच्छा पसंद करता हूँ क्योंकि इनका बातें जो लगती है बहुत अच्छी लगती है मुझे। शुक्रिया भाई। तो बिहार को जिस तरह एक्सप्लोर करते हैं शायद मैंने किसी और को देखा ही नहीं करते हुए। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी जर नवाजी है। बहुत शुक्रिया भाई। भैया आप नाम बता देंगे? सैयद साहब अली नाम है मेरा। मेरा नाम जावेद। अच्छा, आपका नाम जावेद। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने गाइस, मैं जिनसे मिला हूँ वो खुद भी एक यूट्यूबर है और उनके पास अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी है, उनको अच्छा खासा लोग फॉलो भी करते आ रहे हैं, वो काफी समय से सेक्टर में है भी है लगभग। तो मैं उनसे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गाइज मैं मेले में घूम रहा था, मुझे एक सर मिले, ये भी मेला विजिट करना है, इन्होंने बुक्स भी ली हैं कुछ, और ये इससे पहले भी आ चुके हैं और यहीं के रहने वाले भी हैं। तो ये हमारे व्यूवर्स कुछ कुछ कहना चाहेंगे सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस मेले के बारे में, पहले आप मुझे ये बताएं। ये मेला बहुत ही अच्छा। सर अपना नाम बता देंगे आप? मेरा नाम सुभाष राय हुआ। यस सर। सर आप मेले के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि इस मेले में क्या चीज़ आपको नजर आई? और ये मेला काफी पुराना भी है, शायद मैं पैदा भी हूँ तब से मेला लग रहा है शायद। ये मेला बहुत अच्छा है। यस सर। इसमें आपको ढेर सारे बुक एक स्टॉल में मिल जाती है, आप अपने मन पसंद का बुक जो है यहाँ से खरीद सकते हैं। यस सर। मैंने भी एक दो बुक खरीदी है, प्रेमचंद की बुक खरीदी है। यस सर, मैं भी घूम रहा था इधर, मैंने बहुत को देखा मेले में। मैं पहली बार आया हूँ लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे इस मेले में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट को आके देखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हर तरह की किताबें यहाँ पे नजर आ जाएंगी, जैसे ही किताबें आप पढ़ना चाहते हैं, जिस ट्रीज का किताब पढ़ना चाहते थे। यस सर। तो सर कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास कुछ है कहने के लिए, कविता वो गाएंगे सर। वर्दी पर सुनाना चाह रहा हूं। यस सर, प्राउड होना चाहिए हमारे, हमें अपने आप पे ही गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी का परिधान नहीं मिलता। yes, बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, अगर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। yes, लेकिन वर्दी के खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 फूले अलग से भी, घुटने भी ना जुड़ना चाहिए हो कदम बराबर सधे हुए, घुटने भी ना जुड़ना चाहिए हो कदम बराबर सधे हुए, वो आँख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी चौड़ी छाती ऊंची ललाट चाहिए, किस्मत के बिना इस दुनिया में किसी को खाकी का परिधान नहीं मिलता। थैंक यू। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को? ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा, तो मैं इसमें चलता हूँ और देखता हूँ क्या भाई। लगता है आप इस मेले में है। कुछ मेले के बारे में बताना चाहेंगे आप? मेला स्टूडेंट लोग के लिए बहुत अच्छा। अभी मैं आया भी हूँ कि स्टूडेंट लोग बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे भी है और मेला का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो दुकान पे नहीं मिल पाता है, जो यहाँ मिल रहा है। बहुत पुरानी किताबें उसका संग्रह देखा, बहुत कुछ था। स्टूडेंट के दृष्टिकोण और किताब प्रेमियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है जो आए और अपना किताब खरीद के यहाँ से। थैंक यू। सो गाइज यहाँ पे हर तरह का एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, मैं इसमें भी चलूंगा। तो मेडिटेशन की किताबें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये आर्कियोलॉजिकल। गाइज हर एक स्टोर को घूमना तो पॉसिबल नहीं है वैसे तो, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे धार्मिक किताबें मिल जा रही हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस्लामिक रिलेटेड है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये उर्दू की किताबें भी हैं। उधर चलूँगा उस सेक्शन में तो उधर भी और भी किताबें मिल जाएंगी देखने के लिए। ये इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड किताबें यहाँ पे मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये हिंदी में कुरान, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो हिंदी पढ़ें, इंग्लिश में भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो मैं ये नई किताब पब्लिकेशन और ये अरिहंत पब्लिकेशन, सबको घूमना पॉसिबल नहीं है गाइस, तो मैं सबको तो नहीं घूमने वाला, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर यहाँ विजिट करना है। लोकेशन तो आप जानिए ना, पटना गांधी मैदान का, ये देख रहे हैं 32,000 साल पहले भारत के संस्थापक पूर्वजों की कहानी, मतलब आप
अंदाजा कर सकते हैं कि बुक्स यहाँ पे कितनी पुरानी बुक्स मिल जाएंगी आपको देखने के लिए? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज मैंने कहा था ना यहाँ पे अभी हिंदू रिलीजियस की किताबें हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ऋग्वेद वगैरह गीता वगैरह भी है यहाँ पे, भगवत गीता रामायण वगैरह भी है, ये रामचरितमानस देखिए श्री राम जी पहले नजर आ रहे हैं इसमें, मैंने पेज भी ऐसा खोला कि उन्हीं की फोटो सबसे पहले नजर आई मुझे। तो गाइज यहाँ पे रिलीजियस किताबें भी लग रही हैं, यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता। तो गाइज ये आप जो देख रहे हैं सामने ये बनी हुई चीजें जो हैं ये पेपर पे, एक्चुअल में ये चीज़ें हैंडक्राफ्टेड है, ये स्लम एरिया से बच्चे जो होते हैं जिनके पास नए नए आइडियाज होते हैं उनसे ये कलेक्ट किया जाता है बनवा के। गौरवशाली इतिहास की गाथा, और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आइए मिलकर प्रेरित कर यार कि आपके पास कोई आइडियाज है कुछ है, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया भैया ने, तो ये सब चीज़ें अपने आइडिया शेयर कीजिए, सरकार से जुड़िए, सरकार आपसे जुड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं जी। ये जो है ये विकास बेगम सर है जी सर, ये एक बिहार के बहुत ही चर्चित मशहूर IPS अधिकारी है जो वर्तमान में IG पुलिस के पद पर बिहार में पदस्थापित है जी। इनका एक अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका हिंदी में मतलब होता है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, जिसके माध्यम से बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है जी, जैसे ये चाणक्य की धरती है, लोगों ने इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया, वाकई बहुत बहुत कुछ है बिहार में जानने के लिए, बुद्ध की धरती है जी, ये महावीर की धरती है, यहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए हैं, वशिष्ठ बाबू जैसे लोग हुए हैं, इन सब चीजों को एक साथ ये बता रहे हैं अपने जो युवा पीढ़ी खासकर युवाओं को बता रहे हैं, हम जैसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में। आज जो बिहार बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त जी है, बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी भूखमरी है, शिक्षा स्वास्थ्य हर चीज में बिहार पिछड़ रहा है, तो उस चीज को ये चाहते हैं कि अतीत से जुड़ करके बिहारी के मन में एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न करे जिससे कि बिहार पुनः विश्व गुरु बनने की ओर, जैसे पहले भारत समेत पूरी दुनिया को मार्ग दिखा रहा था, प्रशस्त कर रहा था, जब कहीं भी ज्ञान का मतलब वो नहीं था, उस समय में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ बाहर से लोग आके पढ़ते थे, इस चीज के लिए तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, अभी घुसपुर बॉडी में खड़े होने लगे नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर, वैसे उन्हीं सब चीजों को बता करके क्यों ना हम फिर आगे भी फर्दर हम भविष्य का इसका उज्ज्वलतम भविष्य बना सके, तो अतीत से प्रेरणा लेकर के भविष्य को संवारने की शिक्षा दे रहे हैं, यही इस अभियान का मेन उद्देश्य है। मैं इसको ले लूंगा, मैं इसको जरूर से पढ़ूंगा, इसमें क्या है क्या नहीं है इसको पढ़िए और अपने दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताऊंगा इसके बारे में, हालांकि मैंने कि आप इसको विजिट जरूर करें, लोगों को पहुंचाइए इस चीज को जी, युवा प्रेरित आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है, आइए पटना पुस्तक मेला। सब कुछ घूमने के बाद अब मैं सेक्शन में आ गया हूँ, यहाँ ये खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, स्टॉल अप लगे हैं, तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं रूम पे जाके खाना ही खाऊंगा, और वैसे ही मुझे चाय पीना, तो मैं फिलहाल कुछ खाने वाला भी नहीं हूँ, तो अब मैं मेले से बाहर निकल रहा हूँ, जो था मैंने देख लिया, आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें एक बार आके, काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा इस मेले में भी आपको। और लात जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा गाइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है गाइस, तो फिर मैं इस वीडियो को भी क्लोज करता हूँ, लेकिन चला